हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली लॉ। आज हम जो है वो एक नए लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेटिंग टू पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। इस लेक्चर सीरीज में जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के, हम वो कवर करेंगे। आज हमारा पहला लेक्चर है और ये इंट्रोडक्टरी होगा। तो पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंटरनेशनल लॉ बेसिकली होता क्या है। उसके बाद सेकेंडली हम कुछ जूरिस्ट की डेफिनेशन जो है वो एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या वो डेफिनेशंस प्रेजेंट एरा में, मॉडर्न एरा में जो है वो एडिक्वेट एंड सफिशिएंट हैं, या उनके ऊपर आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले अगर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ होता क्या है, तो इंटरनेशनल लॉ बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, इंटर एंड नेशनल। ठीक है, इंटर मीन्स बिटवीन एंड नेशनल मीन्स नेशंस। तो ऐसा कानून जो कि नेशंस के दरमियान हो, ऐसा कानून जो कि नेशंस के कॉन्डक्ट को रेगुलेट करे, स्टेट्स के कॉन्डक्ट को रेगुलेट करे, उसको आप कहेंगे इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, लव्स इंटरनेशनल लॉ जो है वो फर्स्ट टाइम 1789 में जेरेमी बेंथम, एक जुरिस्ट है, उन्होंने लव्स यूज़ किया था अपनी एक बुक में। ठीक है, अब इंटरनेशनल लॉ का लव्स उन्होंने यूज़ किया 1789 में, तो उससे पहले इंटरनेशनल लॉ का जो पुराना नाम है वो होता था लॉ ऑफ नेशंस। ठीक है, अगर अब हम डिस्क्राइब करें कि इंटरनेशनल लॉ या लॉ ऑफ नेशंस है क्या, तो इट इज़ अ लॉ दैट रेगुलेट्स द रिलेशनशिप एंड कॉन्डक्ट ऑफ स्टेट्स एंड अदर एंटिटीज विद ईच अदर। कि ऐसा कानून जो कि स्टेट्स और अदर एंटिटीज के रिलेशंस को एक दूसरे के साथ जो है वो क्या करे, रेगुलेट करे। ठीक है, वो ये बताए कि स्टेट्स की क्या राइट्स होंगी, उनकी क्या ड्यूटीज होंगी, वो जो है वो बताए, उनके रिलेशनशिप को रेगुलेट करे, तो उसको आप कहेंगे कि दिस इज इंटरनेशनल लॉ। उसके बाद हम आ जाते हैं डेफिनेशंस पे कि क्या क्या डेफिनेशंस जो है वो अभी तक इंटरनेशनल लॉ की किन किन जुरिस्ट ने प्रोवाइड की हैं, और क्या वो डेफिनेशंस प्रेजेंट एरा में जो है वो एडिक्वेट एंड सफिशिएंट हैं, या उनको जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है। पहली डेफिनेशन जो हम डिस्कस करेंगे वो होगी ओपनहाइम की डेफिनेशन। ओपनहाइम जो है वो एक जर्मन जुरिस्ट थे और 1905 में इन्होंने भी अपनी एक बुक लिखी थी। उस बुक में जो है वो इन्होंने इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन जो दी थी वो ये दी थी कि इंटरनेशनल लॉ इज द नेम ऑफ बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड ट्रीटी रूल्स व्हिच आर कंसीडर्ड लीगली बाइंडिंग बाय सिविलाइज्ड स्टेट्स इन देयर इंटरकोर्स विद ईच अदर। इनका कहना है कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, इंटरनेशनल लॉ एक नाम है कस्टमरी और ट्रीटी रूल्स का, जो कि स्टेट्स अपने ऊपर जो है वो लीगली बाइंडिंग समझती हैं अपने कॉन्डक्ट को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, तो इनके मुताबिक इंटरनेशनल लॉ इज अ नेम ऑफ कस्टमरी एंड ट्रीटी रूल्स। ठीक है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या ये ओपनहाइम की डेफिनेशन जो कि 1905 में प्रोवाइड की गई थी, क्या वो इस प्रेजेंट एरा में, मॉडर्न एरा में सफिशिएंट है, या इसकी डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है। तो आंसर ये है कि यस, इसकी डेफिनेशन को आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। और क्या क्या पॉइंट्स आप इस डेफिनेशन के ऊपर जो है रेज कर सकते हैं रिगार्डिंग क्रिटिसिज्म, वो हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट ये है कि ये जो डेफिनेशन है ओपनहाइम की, वो सिर्फ स्टेट्स को ही जो है वो कंसिडर करते हैं एज सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि ओपनहाइम के मुताबिक इंटरनेशनल लॉ सिर्फ स्टेट्स को ही रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। तो इनके मुताबिक कि स्टेट्स ही जो है वो सब्जेक्ट्स हैं इंटरनेशनल लॉ के। अब सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये जो है वो एक डिटेल में हम लेक्चर भी देंगे और प्रोबेबली जो है वो हमारा फोर्थ लेक्चर होगा रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, तो अभी अगर मैं ब्रीफली बता दूं कि सब्जेक्ट कहते किसको हैं। सब्जेक्ट बेसिकली कहते हैं किसी भी ऐसी चीज़ को जिसको रेगुलेट करने के लिए कोई भी कानून बनाया जाए। ठीक है, तो कोई भी अगर कानून बनता है तो पहले ये डिसाइड किया जाता है कि ये कानून जो है वो किसके लिए बनाया जा रहा है। तो अब कोई भी कानून जिसको लिए बनाया जाए या जिसको वो राइट्स एंड ड्यूटीज दे, उसको आप कहेंगे कि दीज आर द सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। दैट मीन्स एनी एंटिटी दैट पजेसेस सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज अंडर एनी लॉ इज सेड टू बी द सब्जेक्ट ऑफ दैट लॉ। तो अगर आप इंटरनेशनल लॉ को देखें तो इंटरनेशनल लॉ जो है वो सिर्फ स्टेट्स की कॉन्डक्ट को रेगुलेट नहीं करता, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशंस की कॉन्डक्ट को भी रेगुलेट करता है, ये ऑर्गेनाइजेशंस और स्टेट्स के दरमियान जो रिलेशंस हैं उनको भी रेगुलेट करता है, ये जो है वो स्टेट्स और इंडिविजुअल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उनको भी रेगुलेट करता है। तो फिर सिर्फ स्टेट्स को मेंशन करना ये जो है वो सफिशिएंट नहीं है, ये एडिक्वेट नहीं है।
उसके बाद जो सेकंड पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म है वो भी रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स है, और वो ये है कि सिर्फ स्टेट्स नहीं लेकिन इंडिविजुअल्स भी सब्जेक्ट हैं किसके, इंटरनेशनल लॉ के। अब उसका एक वेल नोन एग्जांपल जो आप ले सकते हैं वो ये है कि आप कन्वेंशन देख लें। 1965 में एक कन्वेंशन बनी थी जिसका नाम है कन्वेंशन ऑन सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स एंड नेशनल्स ऑफ अदर स्टेट्स। अब ये एक ऐसी कन्वेंशन है जो कि रेगुलेट करती है कि किस तरह से अगर एक स्टेट और दूसरी स्टेट के नेशनल के दरमियान कोई भी इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट आता है तो उसको किस तरह से सेटल किया जाएगा, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन ये कन्वेंशन जो है वो बताती है। तो दैट मीन्स ये एक ऐसी कन्वेंशन है जो कि स्टेट्स के दरमियान नहीं है, वो क्या है, एक स्टेट, एक तरफ स्टेट है और एक तरफ इंडिविजुअल है। दैट मीन्स इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट्स सिर्फ स्टेट्स नहीं हैं लेकिन इंडिविजुअल्स भी हैं। उसके बाद हम आते हैं थर्ड पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म पे। थर्ड पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म आप ये भी रेज कर सकते हैं कि जो है वो सिर्फ ट्रीटीज एंड कस्टम्स को जो है वो इन्होंने डेफिनेशन में बताया है कि सिर्फ ट्रीटीज और कस्टम्स ही सोर्सेज हैं इंटरनेशनल लॉ के, क्योंकि आपने डेफिनेशन देखी उसमें क्या था कि इंटरनेशनल लॉ इज अ नेम ऑफ बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड ट्रीटी रूल्स। ठीक है, दैट मीन्स कि ये जो है ओपनहाइम सिर्फ कंसिडर करते हैं कस्टम और ट्रीटीज को एज सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। लेकिन अगर आप प्रेजेंट एरा में देखें तो आर्टिकल 38 है ICJ स्टैट्यूट का, वो बेसिकली बताता है कि इंटरनेशनल लॉ के कितने सोर्सेज हैं। ठीक है, तो ICJ स्टैट्यूट के आर्टिकल 38 के मुताबिक ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस, कस्टम्स एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस जो है वो प्राइमरी सोर्सेज हैं किसके, इंटरनेशनल लॉ के। और सेकेंडरी सोर्सेज जो है इंटरनेशनल लॉ के वो है प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस मीन्स प्रीवियस डिसीजंस आइदर बाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और बाय एनी इंटरनेशनल कोर्ट और नेशनल कोर्ट और ट्राइब्यूनल। ठीक है, उसके बाद आते हैं कुछ जो है वो राइटिंग्स होती हैं जुरिस्ट की, वो भी क्या है, वो भी जो है वो सेकेंडरी सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का और उसके ऊपर भी जो है वो रिलाय किया जा सकता है। तो ये सिर्फ कहना कि ट्रीटी एंड कस्टमरी रूल्स आर द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ ये जो है वो गलत है। हो सकता है जब 1905 में उन्होंने डेफिनेशन दी थी तब तो ये सही था, लेकिन अगर आप प्रेजेंट एरा में देखें तो प्रेजेंट एरा में ये डेफिनेशन जो है वो एडिक्वेट एंड सफिशेंट कंसिडर नहीं की जाती। उसके बाद हम आते हैं सेकंड डेफिनेशन पे जो है बाय जे ब्रेली। जे ब्रेली भी जो है वो एक जुरिस्ट है। अब इन्होंने भी इंटरनेशनल लॉ को डिफाइन किया है कि इंटरनेशनल लॉ इज द बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एक्शन व्हिच आर बाइंडिंग अपॉन सिविलाइज्ड स्टेट्स इन देयर रिलेशन विद वन अनदर। तो आप इनकी डेफिनेशन को भी देखें तो ये भी क्या कह रहा है कि इंटरनेशनल लॉ सिर्फ उन रूल्स का नाम है जो कि स्टेट्स के ऊपर बाइंडिंग है। दैट मीन्स इनके मुताबिक भी इंटरनेशनल लॉ सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स को ही रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल लॉ सिर्फ स्टेट्स और स्टेट्स के दरमियान रिलेशंस को जो है वो रेगुलेट करता है, स्टेट्स के ऊपर ही ये राइट्स एंड ड्यूटीज जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जो क्रिटिसिजम्स हमने रेज किए थे अगेंस्ट द डेफिनेशन ऑफ ओपनहाइम वही तीनों क्रिटिसिज्म आप इसकी डेफिनेशन के अगेंस्ट भी जो है वो रेज कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड डेफिनेशन है हेलैक की, वो भी यही कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज द रूल्स ऑफ कॉन्डक्ट रेगुलेटिंग द इंटरकोर्स ऑफ स्टेट। ठीक है, अब इन्होंने भी सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स को मेंशन किया है, दैट मींस अकॉर्डिंग टू हेलैक एज वेल इंटरनेशनल लॉ की जो सब्जेक्ट्स हैं वो सिर्फ स्टेट्स हैं। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन भी जो है वो एडिक्वेट एंड सफिशिएंट नहीं है इन द प्रेजेंट एरा, और सिमिलर क्रिटिसिज्म जो है वो रेज किए जा सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ डेफिनेशन पे, वो है जो है वो फेनविक की डेफिनेशन। अब चार्ल्स फेनविक जो है ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स व्हिच आर बाइंडिंग अपॉन द मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी इन देयर म्यूचुअल रिलेशंस। अब इनकी डेफिनेशन आप देखेंगे तो ये कुछ आपको एडवांस नजर आएगी। दैट मीन्स कि चार्ल्स जो है ये सिर्फ जो है वो एक नैरो व्यू नहीं लेते, ये सिर्फ स्टेट्स को ही जो वो कंसिडर नहीं करते, लेकिन ये एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी। दैट मीन्स कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का जब एक्सप्रेशन आपने यूज किया तो आपने सिर्फ स्टेट्स को रेफर नहीं किया, आपने अदर जो है वो इंटरनेशनल बॉडीज को भी रेफर किया। तो इनकी डेफिनेशन जो है वो एडवांस्ड कंसिडर की जाती है, और इनका पॉजिटिव पॉइंट भी यही है कि ये स्टेट्स का लफ्ज जो है वो एक्सप्रेसली यूज नहीं कर रहे, और ये क्या कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज बाइंडिंग अपॉन द मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी, दैट मीन्स इट रेगुलेट्स द कॉन्डक्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। उसके बाद हम आ जाते हैं फाइनल डेफिनेशन पे जो कि है वाइट मैन की डेफिनेशन। अब वाइट मैन की डेफिनेशन जो है वो प्रेजेंट एरा में एडिक्वेट सफिशेंट कंसिडर की जाती है,
और यही डेफिनेशन है जो कि वाइडली जो है वो फॉलो की जाती है इन द प्रेजेंट एरा। अब ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज द स्टैंडर्ड ऑफ कॉन्डक्ट एट एनी गिवन टाइम फॉर स्टेट्स एंड अदर एंटिटीज सब्जेक्ट देयर टू। इनका कहना ये है कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो क्या है, एक स्टैंडर्ड ऑफ कॉन्डक्ट है जो कि स्टेट्स और अदर एंटिटीज के लिए बनाया गया है। दैट मीन्स इनके मुताबिक स्टेट्स तो सब्जेक्ट हैं ही इंटरनेशनल लॉ के, लेकिन स्टेट्स के साथ साथ अदर जो स्टेट अदर एंटिटीज भी जो है वो सब्जेक्ट्स हैं इंटरनेशनल लॉ के। दैट मीन्स इंटरनेशनल लॉ सिर्फ स्टेट्स के रिलेशनशिप को गवर्न नहीं करता, लेकिन अदर एंटिटीज के रिलेशन को भी जो है वो ये गवर्न करता है। अब ये जो टर्म है अदर एंटिटीज, इसकी डेफिनेशन अगर आप देखें तो उसमें जो है वो आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी नजर आएंगी, उसमें जो है वो आपको इंडिविजुअल्स भी नजर आएंगे, और उसमें जो है वो आपको नॉन स्टेट एंटिटीज जैसे कि एनजीओस वगैरह हो गए वो भी आप इसमें जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो दैट मीन्स इनकी डेफिनेशन जो है वो वाइड इनफ है इन द प्रेजेंट एरा, और इनकी डेफिनेशन जो है वो लिमिटेड नहीं है लाइक जो हमने पहले तीन डेफिनेशंस पढ़ी थी, और इसीलिए इन्हीं की डेफिनेशन को जो है वो एडिक्वेट एंड सफिशिएंट कंसीडर किया जाता है इन द प्रेजेंट एरा, और यू कैन से दैट इन द मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ। अच्छा, ये था आज का हमारा लेक्चर रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, कि इंटरनेशनल लॉ होता क्या है, इंटरनेशनल लॉ के ऊपर कितनी डेफिनेशंस अवेलेबल हैं, और क्या वो डेफिनेशंस जो है वो एडिक्वेट हैं इन द प्रेजेंट एरा, और कौन सी डेफिनेशन है जो कि वाइडली फॉलो की जाती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो सेकेंड लेक्चर होगा हमारा, वो होगा उसमें हम बेसिकली टू पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला होगा बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इसमें हम जो है वो डिस्कवर करेंगे कि ओरिजिन ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो है वो क्या है। दैट मीन्स इसमें हम जो है वो तीन थ्योरीज पढ़ेंगे। पहली थ्योरी है नेचुरल थ्योरी। नेचुरल थ्योरी कहती है कि इंटरनेशनल लॉ का ओरिजिन जो है वो डिवाइन है, दैट मीन्स इट इज़ बाय नेचर। और जो सेकेंड थ्योरी है पॉजिटिव थ्योरी, ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज मैन मेड लॉ, दैट मीन्स इंटरनेशनल लॉ जो है वो स्टेट्स ने बनाया है और इसका कोई डिवाइन ओरिजिन नहीं है। अच्छा, ये जो थर्ड थ्योरी है, ये जो थर्ड अप्रोच है, उनके मुताबिक इंटरनेशनल लॉ का ओरिजिन डिवाइन भी है, ठीक है, अप टू सर्टेन एक्सटेंट, और मैन मेड भी है अप टू सर्टेन एक्सटेंट। उसके बाद हम देखेंगे नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या होती है। नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ पे बेसिकली जो है वो कंट्रोवर्सीज रेज की जाती हैं, और कुछ जो है वो जुरिस्ट हैं वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो लॉ नहीं है इन ट्रू सेंस, और उसको जो है वो बिल्कुल वीक कानून समझा जाता है। और कुछ जुरिस्ट हैं जो कि कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कानून है, उसमें सारे ही जो एलिमेंट्स हैं कानून होने के लॉ के वो सारे जो है वो प्रेजेंट हैं, और ये जो है वो एक स्ट्रॉन्ग लॉ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम जो है वो एनालाइज करेंगे कि टू स्कूल ऑफ थॉट्स के आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, बेसिकली स्पेसिफिकली वो क्या आर्ग्यू करते हैं इंटरनेशनल लॉ की एग्जिस्टेंस को डिनाय करने के लिए, और इंटरनेशनल लॉ की एग्जिस्टेंस को जो है वो फेवर करने के लिए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर